देखो गाइस, देवप्रयाग के जो मतलब यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सब सोचते होंगे कि पहाड़ों पे या हिमालयस पे क्रैकर्स या दिवाली नहीं मनाई जाती। ये देखो, सो हर हर महादेव जी दोस्तों। तो आज ना कुछ अलग व्लॉग रहने वाला है। ये व्लॉग ऐसा है कि आगे टाइम प्लान बनाए और सारी प्लानिंग एकदम हो चुकी है। अपने मुनिंदर भाई भी आ गए, तो गाइस बताएंगे हम जा कहाँ। फिलहाल अभी देखो अपनी पैकिंग है, ये रहा बैग, ये रहा स्टेक। फिलहाल हम जा रहे थे गाइस बाइक से अपने हिमालयन से, पर मुनिंदर भाई ने कहा कार से चलेंगे, तो बताते हैं आगे। भी फिलहाल जल्दी हो रहा है थोड़ा। फाइनली गाइस हम लोग घर से निकल गए। गाड़ी में पूरी पैकिंग सामान, मतलब जैसा भी किया है, सिर्फ 2 घंटे में मैंने प्रिपरेशन की है। प्लान तो था कि जाएंगे पहले, पर ये फिर कैंसिल हो गया, फिर एट ए टाइम बना, फिर मुनिंदर जी ने कहा आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ भसड़े चली। तो वो सब छोड़ने के बाद इनके घर के ने भी मना करा, हमारे भी, मतलब सब कुछ चलता रहा। तो भी गाइस हम फाइनली देखो अमरपाली यानी कि अपने होम लोकेशन जो लैंडमार्क है वहाँ से निकल चुके हैं। और पैकिंग वैकिंग मतलब सामान मैं आपको दिखाऊंगा ना पूरे व्लॉग में, देखना। मतलब ऐसे भरा है कि हाँ ये रखा रख लो यार, देखेंगे गाड़ी में सेपरेशन करेंगे कि किस चीज़ की नीड है या नहीं है। तो हर हर महादेव और मिलेंगे केदारनाथ में। दिवाली पे तो नहीं जा पाए, पर क्लोजिंग सेरेमनी आपको पूरा अगले व्लॉग में दिखाएंगे। इस व्लॉग में तो थोड़ा सा ये रहेगा कि हम डेस्टिनेशन पे पहुँचे, क्या क्या हमारे साथ हुआ सब कुछ। तो अभी गाइज अभी गाड़ी में फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल डलवाना है। और हर बार की तरह है अपने साथी, अपने वही पुराने भोले, कुछ भी कह सकते हैं, मुनिंदर डॉन। मिलते हैं आपको आगे, बाय बाय। तो गाइज घर से निकलते हैं, यहाँ हमें 74 में ये पेट्रोल पम्प मिल गया है और हम यहाँ से करा रहे हैं गाड़ी का टैंक फुल, जो कि अप्रॉक्सीमेट 3500 के समथिंग आएगा। और एयर पूरा, मतलब टायर वायर चेक करा के। तो अप्रॉक्सीमेट अभी बज रहे हैं 3, तो हम वही रात के सुबह के कल सुबह के 4-5 बजे ही पहुँचेंगे, अगर हमने स्टे नहीं लिया, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 500 किलोमीटर है। तो करते हैं जर्नी को कंटिन्यू और मिलते हैं आप सबसे और दिखाएंगे पूरी केदार की जर्नी इस व्लॉग में, इस चैनल के माध्यम से। सो गाइज मैं तो 3500 आ जा रहा था, ये आ गया देखो गाइज 4000, पूरा 42 लीटर। मेरठ से आगे निकले ही थे और देखो गाइज यहाँ ना बहुत ही एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया, ये बाइक। शायद किसी कार वाले ने ना गाइस बाइक वाले को टक्कर अक्कर हिट कर दिया है पूरा। बाकी यही होता है ना बाइक आइक से, थोड़ा सा ना गाइस सेफ चलो, जल्दी कहीं की नहीं। हम भी बहुत आराम से चल रहे हैं, एकदम बढ़िया। बाकी हरिद्वार पहुंच जाएंगे अप्रॉक्सीमेट 1.5 आवर के बीच में। तो फाइनली हम रात के मतलब शाम के 6 बजे हर की पौड़ी आ गए हैं और अब हम चलते हैं अपने ऋषिकेश वाले रूट की तरफ। और मतलब वो ये संगम पहुंचते नाना करते हुए 8 बज जाएंगे यार गाइस, मेरा अनुमान था 7 बजेंगे, तो अभी बज गए हैं 6 हैं। और अभी हम पहुंचे हैं हरिद्वार। तो मुनिंदर भाई थोड़ा लेट नहीं चल रहे हैं, हम घर से ही लेट निकले थे ना। बिल्कुल, घर से लेट निकलने के बाद ना गाइस सब्जी का लेट ही होते रहते हैं। बाकी वैसे हमें ट्रैफिक मिला नहीं है, पर ठीक है यार, अब चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं ऋषिकेश और यहाँ ऋषिकेश की मार्केट में ना देखो पटाखे खुले आम बिक रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं केदारनाथ के लिए थोड़े से ले लेते हैं। ये रहे, चलते हैं, वैसे वीडियो अलाउ नहीं होगा तो देखते हैं, चलते हैं। और कुछ मुनिंदर भाई देखो रॉक ब्रांड की पेटी ले ली है हमने केदार के ऊपर, मतलब मंदिर के वहाँ चढ़ाने के लिए। तो यहाँ ना गाइस 2500 रुपये की है, 3 चीज़ आई है हमारी और खुले में बिक रहा है गाइस। ला मुनिंदर ले आ गाइस, बहुत बहुत कॉस्टली क्रैकर्स हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। सो गाइस मतलब यहाँ क्रैकर्स तो ले लिए हमने ऋषिकेश से, बट यार बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। जो 30 शॉट्स है वो हमें पड़ा है 1400 रुपये का, जो कि हमारे यहाँ 1400 में 120 शॉट आ जाते हैं, यानी कि 30 × 4 = 120। तो ऐसे ही बहुत, मतलब बहुत एक्सपेंसिव हैं यार। ये देखो गाइस यहाँ फाटक पर खड़े हैं हम, रेल जा रही है, मैं सोच रहा था पता नहीं हॉर्न की आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। तो यहाँ इंडियन रेलवे का ये रेलवे क्रॉसिंग है। और गाइस से हमने रख लिया, ये रॉकेट्स ले लिए हैं और वो कहाँ रख दी इसने पेटी, पता नहीं कहाँ रख दी है, छुपा के रख दिए गाइस, ये रही। तो चलते हैं और फिर दिखाते हैं।
फाइनली गाइस देवप्रयाग संगम हम पहुंच गए हैं। हो गया यहाँ पार्क और अपन चल रहे हैं नीचे संगम की ओर और स्नान करके एकदम बढ़िया से आएंगे। हम हर बार कभी भी जाते हैं तो ऐसा स्नान करके जाते हैं। लॉक नहीं करी यार मनिंदर। हो गई कम ऑन। बहुत नीचे जाना है गाइस। सुन मछलिन को देखो पानी का बहाव। ये ना संगम है, मतलब हर बार वीडियो में ही बताता हूँ, मैं इस बार भी बता रहा हूँ। अलकनंदा और भागीरथी वहाँ आगे जाके मेन पॉइंट पर मिलते हैं, वहाँ जाके बनती है ये गंगा संगम। और ना वहीं चल के नीचे मैं दिखाऊंगा वो है वो पॉइंट, देवप्रयाग संगम कहते हैं इसे। और गाइस यहाँ ना आज की दिवाली है 1 नवंबर की, जैसे हमारे यहाँ 31st की थी तो उत्तराखंड में ना, और मेरे को लग रहा है ना केदारनाथ में भी शायद आज की दिवाली है। तो अभी तो फिलहाल नीचे स्नान करेंगे, देखते हैं चल के क्या मौसम क्या कंडीशन रहती है। ब्रिज पे चलते हुए ना ऐसे फीलिंग आती है जैसे स्पीति का चीचम ब्रिज है ना, मतलब वो तो नहीं है पर हाँ फीलिंग ऐसी आती है, पूरा एकदम हिलता ये सब कुछ। और यहाँ के ना देखो देवप्रयाग के लोग ना पूरे मतलब सो चुके हैं मुझे लगता है। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गाइस, अभी 8:40 हुए हैं सिर्फ। 8:40 ये देखो पूरी मार्केट क्लोज देवप्रयाग घाट। तो गाइस यहीं से वो नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं जो दोनों संगम को जोड़ रही हैं और हम दोनों भी वहीं चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सब कुछ रहने वाला है। और हम यहाँ से ना 10 बजे ना निकल लेंगे केदारनाथ के लिए, ताकि जो कि हम यहाँ से अप्रोक्सीमेट 150 किलोमीटर के अराउंड है तो जो कि हम पहुँच सकें इजीली रात के 2-1 बजे तक। बाकी पूरा देख रहे होगा इस सुनसान पड़ा एकदम, कोई नहीं है, सिर्फ मुनिंदर डॉन और हम संगम नगरी देवप्रयाग। बाकी नीचे चल के देखते हैं कौन कौन मिलता है। भाई यहाँ तो ना एकदम ठंड सी लगी है यार यहाँ तो, और अपने यहाँ में तो टेम्परेचर ही अलग है। और बाकी देखो मतलब ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पर दिवालियाँ नहीं बनती है या क्रैकर्स नहीं फूटते हैं, देख रहे हो कितने मतलब। ये देखो गाइस अभी मैं प्रेजेंट हूँ देवप्रयाग संगम में, और अलकनंदा और भागीरथी का ना यहाँ देखो मिलन है, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये रहा गाइस आज ना दोनों एकदम मतलब अपने थोड़ा सा शांत स्वभाव कह सकते हैं, वरना हमेशा एक अलकनंदा या भागीरथी दोनों एक ना एक एग्रेसिवली बिल्कुल फ्लो होती थी। इस बार ना देखो दोनों ही मतलब ये भी देखो शांत एकदम फ्लो, ये भी स्मूथ फ्लो। तो ये शायद हम अपनी 10वीं जर्नी में केदारनाथ की 10वीं जर्नी में पहली बार ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हाँ दोनों स्मूथ फ्लो है एकदम। ये रहा भाई यहाँ ना त्यौहार की वजह से ना कोई है भी नहीं, तो मैं और हमारा डॉन मुनिंदर ही है बस। और मुनिंदर ना अभी कुछ जुगाड़ में लग रहा है, कुछ मतलब बाल्टी या कुछ मग या कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम नहा सकें, क्योंकि पानी तो ना गाइस बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है और पानी आज का फ्लो भी ऊपर तक है। ये रहा अरे डॉन मुनिंदर भाई बढ़ चुके हैं अंदर, कैडी बातचीत तेरी बम बम। जय हो। ये मुनिंदर भाई ठंडा कैसा है पानी? एक नंबर। आवाज़ नहीं निकल रही क्या? एक बार डुबकी मारने की देर है बस। ये देखो जाओ अंदर और जीत के आओ जंग। ये गाइस दोनों ने कर लिया स्नान बढ़िया से और बहुत ही शीतल जल था एकदम, तो एकदम जो थकान थी सुबह से नॉन स्टॉप ड्राइविंग 350 किलोमीटर नोएडा से यहाँ वो सब दूर हो गई है। अब हम चल रहे हैं ऊपर और स्लीपर्स पहन के हम चलते हैं गाड़ी के पास ही और फिर हम अपनी यात्रा को करते हैं कंटिन्यू। हर हर महादेव।
देखो गाइस देवप्रयाग के जो मतलब यहाँ के स्थानीय लोग हैं सब सोचते होंगे कि पहाड़ों पे या हिमालयस पे क्रैकर्स या दिवाली नहीं मनाई जाती। ये देखो पूरी लड़ी लगा रखी है गाइस ये रही। और अब ये देखो ये देखो संगम का भीड़ यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे तरीके से दिवाली मनाते हैं। हम सब सोचते हैं कि यहाँ दिवाली नहीं मनाते होंगे। मतलब काफ़ी सब चीज़ें मतलब कंपेयर करने के बावजूद ना बहुत मतलब बढ़िया है यार, एक नंबर। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं गुप्त काशी और रात के बज गए हैं 12:21। और मतलब गुप्त काशी यानी कि यहाँ से जो सोनप्रे आ गए जहाँ गाड़ी पार्क हो जाएगी यहाँ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर है, तो वही अराउंड 1 आवर की जर्नी है। तो मुरिंदर को ना थोड़ी नींद आ रही थी तो हम यहाँ रुक गए भाई चाय पीने के लिए। बाकी गाइस आवाज़ में हो चुका है चेंज क्योंकि यहाँ बहुत ठंड, टेम्परेचर अभी देखेंगे, मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। तो गाइज अभी ना सो के उठ चुके हैं थोड़ा सा और अभी हमें फिलहाल सोनप्रयाग की पार्किंग है ये रही एंड ये हमारी कार। हम रात ही अप्रोक्सीमेट यहाँ 2:30 के टाइम पे आ गए थे बट इतने टायर्ड और इतनी मतलब नींद आ रही थी ना कि हमने ना कुछ बस गाड़ी लगाई और उसी पे सो गए। तो अब अपनी करेंगे यात्रा को स्टार्ट 1-2 घंटे के अंदर, थोड़ा सा फ्रेशन अप फील होके चेंज करके सब कुछ। बाकी जो अब ट्रैकिंग की जो व्लॉग होगा वो अब कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे आपसे किसी और व्लॉग में। और नेक्स्ट वीडियोस ज़रूर देखना क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी होगी केदारनाथ की एंड मतलब बहुत ही इन्जॉय आने वाला है। तो करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को समाप्त क्योंकि ये बहुत लंबा होता जा रहा है। तो मिलेंगे आपसे अब ट्रैकिंग टाइम पे ऊपर बाबा केदार के यहाँ। हर हर महादेव।